नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ गुरु में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको या आपके घर परिवार में किसी को पेशाब करते समय पेशाब में दर्द होता है या पेशाब करते समय पेशाब में जलन महसूस होती है? तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है, तो कृपया वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि कोई जानकारी आपसे छूट ना जाए। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें ताकि आगे भी आपको ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो दोस्तों समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, कई लोगों को पेशाब करते समय जलन या दर्द महसूस होता है, ऐसा किसी संक्रमण के कारण भी हो सकता है। पेशाब के दौरान जलन या दर्द होने की समस्या को डिस्यूरिया कहते हैं। डिस्यूरिया में दोस्तों पेशाब करते समय मूत्र नली में जलन और दर्द होने लगता है। 18 से 50 उम्र तक के दोस्तों पुरुषों और महिलाओं में डिस्यूरिया होना एक आम समस्या होती है। मूत्र मार्ग में संक्रमण, यूटीआई या किसी दवा के सेवन के कारण भी यह समस्या दोस्तों हो सकती है। ओवरी में रिस्ट या गुर्दे में पथरी, योनि में संक्रमण, किसी केमिकल के कारण भी दोस्तों यह समस्या हो सकती है, या दोस्तों पानी की कमी और प्रोस्टेट ग्रंथि में संक्रमण के कारण भी दोस्तों पेशाब में जलन और दर्द की समस्या दोस्तों हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं इसका हमको कैसे उपाय करना है पेशाब में जलन और दर्द की समस्या को दूर करने के लिए। तो दोस्तों, दानेदार धनिया को मोटा पीसकर इसका छिलका अलग कर लें, फिर बीजों के अंदर की गिरी निकालकर 300 ग्राम धनिया की गिरी और 300 ग्राम मिश्री या दोस्तों चीनी ले लें, दोनों को अलग अलग पीसकर आपस में मिला लें। समझ लीजिए दोस्तों, आपकी औषधि तैयार है। मूत्राशय की जलन के अलावा दोस्तों वीर्य की उत्तेजना दूर करने में भी दोस्तों यह एक बहुत अचूक औषधि है। तो दोस्तों, कितनी मात्रा में हमको इसका सेवन करना है? तो दोस्तों 5 ग्राम की मात्रा में हमको इसको चूर्ण को लेना है और 1 गिलास ठंडे पानी से दिन में 2 बार इसका सेवन करना है और ये केवल दोस्तों 3 दिन तक करना है। इससे दोस्तों 3 दिन सेवन करने से यह समस्या पूर्णतः समाप्त, पेशाब में जलन और पेशाब में दर्द होने की समस्या दोस्तों जड़ से समाप्त हो जाती है। क्योंकि दोस्तों आयुर्वेदिक पतानुसार धनिया तासीर में ठंडा होता है और दोस्तों यह एक एंटीबायोटिक का भी काम करता है। और दोस्तों, हमारे द्वारा बताया गया यह प्रयोग पूर्णतः आयुर्वेदिक है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है और दोस्तों ये काफी लो कॉस्ट भी होता है। तो ये थी दोस्तों हमारे द्वारा दी जाने वाली आपको पेशाब में जलन और पेशाब में दर्द होने की समस्या को कैसे समाप्त करें। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।